चंबल नदी के किनारे का यह पवित्र भूमि कितना सुंदर, कितना मनोहर लग रहा है। ये वही पत्थर है जिस पर वो बैठा करते थे, आप सामने देख रहे हैं। उनके बाद वर्तमान गद्दी नसीम सदगुरु श्री केशव साहेब जी स्वयं उन्हीं के प्रतिरूप हैं। बड़े ही सरल चित्त, बड़े ही साधनात्मक जीवन, और बगल में उनके उत्तराधिकारी धीरज साहेब, श्री रामेश्वर साहेब एवं अन्य सभी संतजन इस भूमि पर आज आए हैं। ये साहेब दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये खूंटा उन्होंने ही गाड़ा था, साहेब जी ने ही गाड़ा था, इसलिए आज तक इसे किसी ने छेड़ा नहीं और ये अभी तक पड़ा है, ये अभी तक सलामत है। और लोग यहाँ अपना शीश झुकाते हैं और अपने मन की मुरादें मांगते हैं, और वाकई यह अद्भुत है, बहुत ही दिव्य है। बगल में चंबल नदी है, बड़ा ही पवित्र नदी है। और अब ये देखिए, साहेब जी स्वयं बता रहे हैं यह समाधि जिसका एक रूप यहाँ भी, सदगुरु श्री गणेश साहेब जी की समाधि का एक रूप यहाँ भी स्थापित किया गया है, जिसे जिसका निर्माण स्वयं श्री केशव साहेब जी ने करवाया है। सरसों के खेतों के बीच यह आश्रम की तप भूमि, यह पवित्र भूमि जिसमें यह समाधि स्थित है, बड़ा ही सुहावना, बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही मनोरम है। आज सभी संत यहाँ पर पधारे हैं क्योंकि सबकी इच्छा हुई कि स्वरूपलीन सदगुरु श्री गणेश साहेब जी की समाधि का दर्शन करें, उनके तप भूमि पर जाकर उनकी साधना को अनुभव करें, और यहीं पर भंडारा का आयोजन करके यहाँ उन्हीं के दिव्य स्थली पर एक बार भोजन करें। तो सभी संत उसी अवस्था को अनुभव करने के लिए यहाँ आए। ये झोपड़ी है जहाँ हमारे वर्तमान में एक संत हैं जो यहाँ निवास करते हैं। छोटी सी जगह है लेकिन बड़ा ही खूबसूरत है, और यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, लोगों के सेवक पूजा लगा रहता है। यह नव निर्मित बल्कि निर्माणाधीन अवस्था में यह संत निवास इस आश्रम के लिए, इस तप भूमि, इस समाधि स्थल के लिए, ताकि यहाँ कोई संत निवास कर सके। यह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का प्रसिद्ध गंगरेल बांध है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह बड़ा ही मनोरम है यह गंगरेल बांध। यहाँ सैलानी, यहाँ तीर्थ के रूप में यहाँ आते हैं। आप देखें दूर दूर तक जल फैला हुआ है और लोग यहाँ आते हैं बड़े ही आनंद के लिए। ये जगह ही आनंददायी है और हम लोग भी यहाँ आ जाए हैं। बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है, बड़ा ही मनमोहक जगह है, तो आप सब भी इसका आनंद लें।